गुड मॉर्निंग जी, लेके आई हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब लगता तो बच्चों को डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ट्रिकी है, सीखने की भी ना एक टैक्टिक है। अब आपका जब आप कैश फ्लो बनाते हैं तो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग, थ्री टाइप की एक्टिविटीज के हिसाब से कैश फ्लो प्रिपेयर करना पड़ता है। मैंने यहाँ पर पूरा फॉर्मेट नहीं बनाया है, बनी हुई है पूरे फॉर्मेट की वीडियो, पूरे फॉर्मेट को भी एक्सप्लेन किया हुआ है। डायरेक्टली इस फॉर्मेट को सुनने बैठे तो बड़ा बोरिंग सा लगेगा। अब मेरी बात सुनो, मैं कहूंगी इस वीडियो से आप कैश फ्लो करिए स्टार्ट, और सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी को सीखिए, दो न्यूमेरिकल कीजिए फाइनेंसिंग डन, इन्वेस्टिंग सीखिए इन्वेस्टिंग के तीन न्यूमेरिकल कीजिए इन्वेस्टिंग डन, देन जंप टू द ऑपरेटिंग, उसके बाद जंप कीजिए। क्योंकि जब हमारा फाइनेंसिंग की सक्सेस आ जाती है, इन्वेस्टिंग की सक्सेस आ जाती है, ऑपरेटिंग की सक्सेस अपने आप बन जाती है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि हम थोड़े फ्लो में भी आ जाते हैं। डायरेक्टली जब हम ऑपरेटिंग से स्टार्ट करते हैं तो हमें दिक्कत आती है, तो हम ट्रिक्स एंड बिट्स में स्टार्ट कर सकते हैं। बुक्स में हमें क्वेश्चन फाइनेंसिंग के अलग, इन्वेस्टिंग के अलग और तीनों के मिक्स करके भी गिवन है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन ले रही हूँ डीके गोयल का, क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें से फाइनेंसिंग एक्टिविटी का डेटा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, चार नए पॉइंट सीखने वाले हो तो सीखो मेरे साथ। दो क्वेश्चन कवर करूंगी फाइनेंसिंग के, दोनों के बाद फाइनेंसिंग नहीं बोलोगे कि हमें समझ में नहीं आया, इतनी गारंटी कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। पहले आप फाइनेंसिंग में देखिए जी, हमें करना क्या, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है। हम बिजनेस को फाइनेंस कर रहे हैं, पहले थोड़ा सा समझिए। बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए हमने या तो अपना पैसा लगाया, चलो जी तब तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर से पैसा नहीं उठाया। लेकिन जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो एट दैट टाइम वी नीड फ्रॉम द मार्केट। हमने किसी से बोरो कर लिया, मे बी हमने किसी पर्सन से बोरो किया, और मे बी हमने बैंक से बोरो किया, या हमने अपनी कंपनी के शेयर इशू कर दिए और उससे भी अपनी कैपिटल को रेज कर लिया, या हमने अपनी कंपनी के डिबेंचर इशू कर दिए उससे भी अपनी कैपिटल को रेज कर लिया। डिबेंचर एक तरीके डेट है आपका, आपके पास पैसा आ रहा है। डिबेंचर इशू करोगे इनफ्लो होगा, शेयर्स इशू करोगे इनफ्लो होगा। शेयर्स में भी दो कैटेगरी है, एक प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। इनफ्लो हो रहा है, और किसी भी तरीके का इनफ्लो अगर हो रहा है तो कैश फ्लो में होता है जी प्लस। अच्छा, अब आपने कभी पहले डिबेंचर इशू किए थे, आज उनको रिडीम कर दिया यानी उनका रीपेमेंट कर दिया, आउटफ्लो माइनस। प्रेफरेंस शेयर्स कभी इशू किए थे, आज उनका रिडेम्पशन कर दिया, रीपेमेंट कर दिया माइनस। बस यही तो करना है, पैसा आ रहा है बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए प्लस, पैसा जा रहा है जिस पैसे को हमने बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए यूज किया था, अब उनके पेमेंट का टाइम आ गया तो उस पेमेंट को हम करने जा रहे हैं, बिल्कुल कीजिए माइनस। बस यही करके आपने बना देना फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सबसे इजी होता है। ध्यान रखना, बोर्ड में कई बार सिर्फ फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग दो पूछ ले जाते हैं, कभी तीनों पूछे जाते हैं, कभी फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग पूछ ले जाता है, तो किसी भी एंगल से पूछा जा सकता है। 9 नंबर का पेपर इसी चैप्टर से आ रहा है, ये भी ध्यान रखना। 9 नंबर का 1 6 मार्कर तो आना ही आना, जो क्वेश्चन नंबर 34 है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 27, 28 और 29 है, उनमें 3 MCQ आते हैं, कई बार तीनों के तीनों MCQ आपके इसी चैप्टर से आ जाते हैं। डेप्थ में सीखोगे तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। चलो जी स्टार्ट करते हैं। Sony Limited provided you the following information, calculate cash flow from financing activity। अगर आपको लगता है कि थोड़े ज्यादा डिटेल में आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी को समझना है तो प्लीज यहाँ ऊपर आई बटन में मैं आपको जहां पर मैंने फॉर्मेट एक्सप्लेन किया हुआ है वहां से आप सुन सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी यहाँ पर, क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल कराना है, ठीक है। अब आपको डेटा जो दिया हुआ है 2022 और 2023 का डेटा आपको गिवन है, यहाँ बताया हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल पिछले साल 10 लाख रुपए की थी, इस साल 12.5 लाख रुपए की। ध्यान से सुनिए, लास्ट ईयर आपकी जो कैपिटल थी वो 10 लाख की थी, इस साल 12.5 लाख रुपए की है। आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल बेटा बढ़ गई है 2.5 लाख रुपए से, ठीक है। यहाँ इस जो मैं ट्रीटमेंट अभी सिखा रही हूँ वो करना नहीं है, लेकिन मुझे समझाना है इसलिए कर रही हूँ। 2.5 लाख रुपए से कैपिटल बढ़ गई तो इनफ्लो हुआ, आप क्या करेंगे, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। ये 2.5 लाख रुपए नॉर्मल केस में दिखा देंगे, इसमें नहीं दिखाने, अभी बताती हूँ क्यों, ठीक है। ये 2.5 लाख रुपए नॉर्मली अगर हमारा इस तरीके का पॉइंट है इक्विटी शेयर कैपिटल और हमें वर्किंग नोट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि 2.5 लाख रुपए के आपने शेयर इशू किए, आपके पास पैसा आया है, आपने इनफ्लो दिखा दिया। लेकिन यहां पर ना एक ट्विस्ट आ रहा है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, और एमसीक्यू में भी आ जाता है। ड्यूरिंग द ईयर 2023 सोनी लिमिटेड इशूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 4:1 बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी के ऊपर एमसीक्यू आ जाता है, ध्यान से सुनिए मैं करने के वाली हूँ। देखिए जी क्या कहा, बोनस शेयर पहली बात फ्री ऑफ कॉस्ट इशू होते हैं, ठीक है। बोनस शेयर का प्लान क्या होता है, किस तरीके से होता है बोनस शेयर, किसी के पास फॉर एग्जाम्पल मार्केट में शेयर ऑलरेडी इशूड है, 10 लाख के हमारे पहले से ही मार्केट के अंदर थे, इन लोगों को हमने बोनस शेयर दिए और बोनस शेयर का हमने रेशो बनाया 4:1। 4:1 का मतलब क्या है कि जिसके पास 4 शेयर थे कंपनी के उसको कंपनी ने 1 शेयर फ्री में दे दिया।
फ्री में दे दिया, अगर फ्री में शेयर इशू कर दिए तो इसका मतलब कंपनी के पास इनफ्लो तो हुआ नहीं, पैसा तो आया नहीं, तो इनफ्लो तो होगा ही नहीं। अब किसी के पास अगर 4 शेयर थे तो उसे 1 दे दिया, अब आपको क्या करना है, अब ऑलरेडी आपके 10 लाख शेयर थे, ठीक है, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 1, तो आप इसे अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो आपके 2.5 लाख शेयर्स आ जाते हैं, 2.5 लाख रुपए के शेयर्स। ये लिख दिया तो इसका मतलब आपने रेशो था 4:1, 4 को हमने 1 शेयर दिया तो 10 लाख रुपए के हमारे ऑलरेडी शेयर्स इशू थे, डिवाइडेड बाय 4 किया इनटू 1 किया तो हमें पता चला कि 2.5 लाख रुपए के शेयर्स हमने एज अ बोनस शेयर इशू कर दिए, तो इनफ्लो तो हुआ ही नहीं क्योंकि बोनस शेयर फ्री में दिए जाते हैं और आगे लिखा हुआ है बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व। तो हमारा क्या होता है, जो हमारी लायबिलिटी साइड होती है, यहां से सुनना बिट ट्रिकी लगता है, लायबिलिटी साइड पर सबसे ऊपर आती है शेयर कैपिटल, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसके बाद आता है रिजर्व एंड सरप्लस। हमने रिजर्व एंड सरप्लस में से पैसा उठा के उसे अपनी कैपिटल में ट्रांसफर किया, लायबिलिटी साइड में यहां से उठ के यहां चला गया पैसा, दैट्स इट, इनफ्लो कुछ नहीं हुआ। अब इनफ्लो कुछ नहीं हुआ तो आप यहाँ पर ये 2.5 लाख रुपए नहीं दिखाएंगे क्योंकि 2.5 लाख रुपए के ही आपने बोनस शेयर इशू किए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपका 1 लाख आ जाता, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख आ जाता तो बिल्कुल हम 1.5 लाख का इनफ्लो दिखाते, क्योंकि पिक्चर बता रही है कि 2.5 लाख रुपए के शेयर इशू हुए, इशू तो हुए हैं और सारे के सारे वो बोनस शेयर इशू हैं, पैसा आया थोड़ी है, रिजर्व से पैसा उठा के कैपिटल में ट्रांसफर किया, दैट्स इट भाई। हमने अगर अपनी शेयर कैपिटल बढ़ाई है तो पैसा कहीं से तो आया है ना, पैसे को तो कहीं से फंडिंग करनी पड़ेगी, शेयर होल्डर्स को एज अ लॉलीपॉप हमने बोनस शेयर फ्री में दे दिए, उनका बेनिफिट हो गया, ठीक है, हमारे पास कोई इनफ्लो नहीं हुआ है। और अगर हमारे पास कोई इनफ्लो नहीं हुआ है तो कैश फ्लो में तो रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा, तो यहाँ पर आएगा नील। नॉर्मली अगर बोनस शेयर वाला पॉइंट नहीं होता तो बिल्कुल आप 2.5 लाख रुपए दिखाते, ठीक है जी। इसके बाद देखिए आगे का कह रहे हैं, हमारे को बोला 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, लास्ट ईयर कोई डेटा नहीं है और इस साल हमारी 2 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ठीक है, लास्ट ईयर का कोई डेटा नहीं, मैं साथ साथ ये वाला डेटा रब करूंगी बेटा, क्योंकि यहीं पे मैं आपको वर्किंग दिखा रही हूं। लास्ट ईयर कोई डेटा नहीं है, इस साल 2 लाख रुपए के, तो इसका मतलब आपने इशू किए, और अगर आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं तो आपको हुआ इनफ्लो, और अगर इनफ्लो हुआ है तो पैसा आया है, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, 2 लाख रुपए का इनफ्लो हमने दिखा दिया, दिस इज द पर्टिकुलर कॉलम, दिस इज द अमाउंट कॉलम इन रुपीस, ठीक है जी। इसके बाद अब ना, अब आप एक भी और चीज देखते रहिए करिए कि जब भी कभी इस तरीके के कोई भी पॉइंट आ रहे हैं, थोड़ा सा बैलेंस शीट का डेटा है और फिर नीचे वर्किंग नोट है, तो वर्किंग नोट को क्रॉस चेक करते जाइएगा। प्रेफरेंस शेयर्स का यहाँ पे वर्किंग नोट है, डिविडेंड का नोट है, लेकिन वो अलग से दिखाया जाएगा। आगे बोल रहे हैं 10% डिबेंचर्स, लास्ट ईयर 3 लाख के डिबेंचर्स थे, इस साल कुछ नहीं है, यहां से सुनिए, लास्ट ईयर थे इस साल नहीं है, इसका मतलब रिडेम्पशन हो गया, इसका मतलब ये जो डिबेंचर हमारे डेट होते हैं हमने इनका रीपेमेंट कर दिया। आइए जी, रीपेमेंट ऑफ 10% डिबेंचर्स। अब जब हम रीपेमेंट कर रहे हैं बेटा तो 3 लाख रुपए के थे, और ध्यान से सुनना, इनर कॉलम में लिख रही हूं जान के समझाने के लिए, क्योंकि नीचे एक पॉइंट आ रहा है, हमें बोनस शेयर वाला पॉइंट कर दिया। सेकंड पॉइंट बोल रहे हैं 10% डिवेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 1 जनवरी 2023 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, यानी जब हम इन्हें रिडीम कर रहे हैं तो हम 5% प्रीमियम भी दे रहे हैं, तो इसका मतलब 5 × 3 = 15, 15,000 रुपए का प्रीमियम भी आप पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो 3,15,000 की कर रहे हैं, तो बिल्कुल 3,15,000 की पेमेंट दिखाएंगे, जो पेमेंट है उसको ब्रैकेट से डिनोट करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद बोला इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ध्यान से सुनिए, हमने शेयर्स में इन्वेस्ट किया और किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट अगर हम कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो होगा, फाइनेंसिंग में नहीं शुरू होगा, वो बिजनेस को फाइनेंस नहीं कर रहे हैं, बिजनेस की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, दिस विल बी शोन इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आगे आइए, अभी नीचे पॉइंट्स है, कुछ हिडन पॉइंट्स है जो मुझे डिस्कस करने हैं। अच्छा, इसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स वर इशूड ऑन 1 अक्टूबर 2023, प्रेफरेंस डिविडेंड वाज पेड फॉर हाफ ईयर, नहीं भी बोला होता तो भी ये हाफ ईयर वाली बात नहीं लिखी होती, तब भी हमें हाफ ईयर निकालना है, सुनिए ध्यान से। हमने क्या किया, प्रेफरेंस शेयर 2 लाख रुपए के इशू किए थे, बिल्कुल क्लियर है, प्रेफरेंस शेयर पर कंपलसरीली आपको डिविडेंड पे करना होता है, क्वेश्चन बोले ना बोले तब भी हमें देना है, ये भी ध्यान रखना है, लेकिन यहां टाइम पीरियड बता दिया है, ठीक है, तो हम लिख देते हैं डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स,
2 लाख रुपए के आपके प्रेफरेंस शेयर्स थे बेटा, कितने परसेंट डिविडेंड वाले हैं ये आपके हैं, वही कई बार क्वेश्चन के अंदर ही लिखा होता है, हाँ 8% वाले हैं, ठीक है 8% वाले, तो आपके 1,60,000 रुपए का डिविडेंड, सॉरी 16,000 रुपए का डिविडेंड बना, ठीक है। लेकिन 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 जो आपका 16,000 का डिविडेंड बना, अब इन्होंने बोला है कि ये हमारे 1 अक्टूबर 2022 को हमने इशू किया है। देखिए जी, आप जो कैश फ्लो बना रहे हैं वो 31 मार्च 2023 की डेट पर, इस डेट पर आपका कैश फ्लो ये वाला स्टैंड कर रहा है, और इसमें जितना भी डेटा आएगा वो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 23 तक का डेटा आएगा, इस एक साल का डेटा यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। अब इस एक साल के अंदर आपने जो प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं वो 1 अक्टूबर को किए हैं, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ्स का डिविडेंड बनता है, तो आपको यहाँ पर 6/12 करना पड़ेगा, तो आप जो डिविडेंड पे करेंगे वो 8,000 करेंगे। क्वेश्चन के अंदर अगर टाइम पीरियड नहीं गिवन होता, फॉर एग्जाम्पल तो हमें, और डेट भी नहीं गिवन होती, तो हम डिफॉल्ट केस में ये लेके चलते हैं कि ये जो इशू हुए हैं वो इस डेट पे हुए हैं, और अगर हम इस डेट पे शेयर्स को लेके चलेंगे तो बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा। अगर क्वेश्चन कहता है कि शेयर्स आपके 1 अप्रैल को इशू हुए हैं तो बिल्कुल 1 साल का डिविडेंड बनेगा, यहां पर मिड में 1 अक्टूबर बोल दिया इसीलिए ये 6 मंथ्स का डिविडेंड बना। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये जो मैंने यहां पर चीजें बताई हैं, ये पॉइंट बहुत मैटर करता है, यही वाला पॉइंट गलत होता है, चाहे डिवेंचर का केस हो चाहे शेयर्स का केस हो, ये जो मैंने एरो बना दिया दैट मैटर्स कि आपके किस डेट पे प्रेफरेंस शेयर इशू हो रहे हैं, मिड में हो रहे हैं, स्टार्टिंग में हो रहे हैं, एंड में हो रहे हैं, उसके हिसाब से ही आपको डिविडेंड कैलकुलेट करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चले जी आगे देखिए, इसके बाद बोल रहे हैं कि डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने डिविडेंड रिसीव किया बेटा, आप जो डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं इसका मतलब आपने किसी और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अब जो मेजर पॉइंट है जो मुझे डिस्कस करना है, जो हिडन है, जो क्वेश्चन ने बताया नहीं और हमें उसकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, डिबेंचर इंटरेस्ट। दोबारा बता रही हूं, ये जो दो पॉइंट है ना, डिविडेंड वाला और एक डिवेंचर इंटरेस्ट वाला, इन्हीं दो पॉइंट्स की वजह से कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी बच्चों का होता है गलत, क्योंकि ये जो दोनों पॉइंट है सिर्फ ये यहाँ नहीं आने, फाइनेंसिंग में नहीं आने, इनका ट्रीटमेंट ना ऑपरेटिंग में भी है, दो जगह ट्रीट होते हैं, और एग्जाम में Y1 पूछा जाता है कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो ऑपरेटिंग में भी रिफ्लेक्ट करते हैं और फाइनेंसिंग में भी रिफ्लेक्ट करते हैं, फाइनेंसिंग में वो माइनस हो रहे थे, ऑपरेटिंग में प्लस हो रहे थे, कहाँ प्लस हो रहे थे, जब ऑपरेटिंग सिखाऊंगी तभी सिखाऊंगी, ठीक है। तो डिबेंचर इंटरेस्ट का पॉइंट ध्यान से सुनिए, 10% डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 1 जनवरी 2023 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। पहले तो देखो आपके डिबेंचर्स कितने के थे बेटा, 3 लाख रुपए के थे, ठीक है 10% वाले थे, ऑब्वियसली 10% इंटरेस्ट पे करना है, लेकिन आपने 1 जनवरी को रिडीम कर दिया, ठीक 1 जनवरी को रिडीम कर दिया, यानी कि 1 अप्रैल 2022 तक से लेकर 1 जनवरी 2023 तक कितने महीने हुए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इंटरेस्ट तो 9 महीने का पे करना बेटा, 9/12, तो हमारा 30,000 का 9/12 करते हैं तो बेसिकली 22,500 का बनता है इंटरेस्ट। गलती करोगे तो डिवेंचर इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड में करोगे, और कहीं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बच्चा गलत करता नहीं। और हाँ, इसमें बोनस शेयर वाला पॉइंट भी आ गया था, वो भी बच्चा आपका गलत हो जाता है, तो समझते हुए चलना है। ये क्वेश्चन तो हो गया, एक और होंगे, ठीक है। अब इसकी हम बैलेंसिंग कर लेते हैं। देखो जी, आपका 8,000 ये 315, तो हमारी जो माइनस की वैल्यू आ रही है मैं लिख के दिखा रही हूँ 345500, और प्लस की वैल्यू हमारी है 2 लाख, तो हमारा जो आंसर आ रहा है 145500, और ये आउटफ्लो ज्यादा आ रहा है। यहां से देखिए, 3 माइनस के थे, ये प्लस का था, और माइनस वाली वैल्यू ज्यादा है, प्लस वाली वैल्यू कम है। अगर पॉजिटिव आती तो हम लिखते कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यहां नेगेटिव वैल्यू आई है तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और एक बात ध्यान रखिएगा, डोंट डू दिस कि आपने ब्रैकेट नहीं लगाई, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आप गलती से प्लस कर देंगे, प्लस माइनस का ही सारा खेल है। तो ये तो हुआ आपका क्वेश्चन एक फाइनेंशियल एक्टिविटी का। एक और लूंगी जिससे और ज्यादा क्लैरिटी हो, क्योंकि उसमें इसमें एक वो पॉइंट नहीं आया जो मुझे कराना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ।